हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ये इनफाइनाइट शीट है ना, पहले वाला ही क्वेश्चन जैसा। तो ये इनफाइनाइट शीट है जिसमें से एक डिस्क काट लिया जाता है, दिख रहा है? तो ये डिस्क काट लिया जाता है जिसका रेडियस आर है। इस डिस्क की कैविटी से रूट थ्री आर डिस्टेंस पर एक चार्ज माइनस क्यू जिसका मास एम है रखा हुआ है ना, रखा हुआ है अभी, और इसको क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। तो पहली बात ये कि जब से जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो जाएगा किधर, लेफ्ट साइड या राइट साइड? तो आंसर है लेफ्ट साइड। क्यों लेफ्ट साइड? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये माइनस चार्ज को क्या करेगा, अपनी तो ओर अट्रैक्ट करेगा, और अगर अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स इधर लगेगा, और फोर्स अगर इधर लगेगा तो ये चार्ज पार्टिकल चलना स्टार्ट करेगा। चलना स्टार्ट करेगा तो ध्यान से देखो, फोर्स का डायरेक्शन इधर, मोशन भी इधर, तो चार्ज की वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो अगर जैसे ही रख के छोड़ रहे हो, रिलीज कर रहे हो पार्टिकल को, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा जीरो होगी, और यहां पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो बढ़ते ही बढ़ते ही बढ़ते ही बढ़ते ही सेंटर पे इसके पास एक वेलोसिटी होगी, उसी वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ वी रिलीज द चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू ऑफ मास एम फ्रॉम द पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस रूट थ्री आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैविटी, देन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल When it passes through center of cavity, जब वो cavity के center से pass किया जाए। तो मैं सोच रहा हूं कैसे लगाऊं, तो इस type की speed के अगर आता है तो speed वाले question में ज्यादातर हम लोग conservation of energy लगा देते हैं। हाँ, लगा सकते हैं, आप conservation of energy लगा सकते हैं, लेकिन conservation of energy लगाने के लिए kinetic energy पता होना चाहिए और potential energy। काइनेटिक एनर्जी तो हमें पता है, इसका इनिशियल जीरो है और जब पहुंचेगा तो मान लेते हैं v वेलोसिटी है तो हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल पता है, 1/4πε0Q1Q2R, लेकिन डिस्क और हमारे चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता। और मुझे अगर चार्ज के बीच और डिस्क के बीच पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूले में क्या रखूंगा, इसलिए दिक्कत बढ़ जाएगी, और दिक्कत बढ़ जाएगी तो वहां से ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगेगा, लग सकता है, वो फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एप्लीकेबल लेयर, बट हमारे पास सुविधा नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाए, इसलिए हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। दूसरा तरीका यह अपनाएंगे कि मान लेते हैं किसी भी एक्स डिस्टेंस पे कितना फोर्स लगा, तो ध्यान से अगर आप देखें तो किसी भी एक्स डिस्टेंस पर, ये एक्स डिस्टेंस है, ये चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचा होगा, अगर ये चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचा होगा तो इस पर फोर्स इस टाइप से लगा होगा, और एफ की वैल्यू क्यू इंटू में ई, तो फोर्स की वैल्यू q इंटू में e बेटा, तो फोर्स f बराबर q इंटू में e, लेकिन मैं माइनस लगाना चाहता हूं, क्योंकि साइन क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, जस्ट ऑपोजिट है, इसलिए मैंने f बराबर माइनस क्यू ई लिखा। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है राइट साइड में, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट में है, तो एफ बराबर माइनस क्यू ई, सही है। दूसरी चीज कि फोर्स बराबर मैं लिख सकता हूं एम इंटू में ए इज इक्वल टू माइनस में क्यू इंटू में ई, मैं आंसर की तरफ बढ़ रहा हूं, है ना, मैं आंसर के बहुत पास पहुंच गया हूं, मुझे समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी कैसे आएगा, और जैसे मैं ए को देखता हूं मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ ए में वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में। लेकिन अभी भी कॉमन सेंस आपको यूज करना है, कॉमन सेंस ये यूज करना है कि ए के फॉर्मूला दो होता है, ए का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है डीवी बाई डी टी, एक होता है वी डीवी डीवी बाई डी एक्स, एक पोजीशन के फॉर्म में और एक टाइम के फॉर्म में। लेकिन मेरा दिमाग यहां कह रहा है कि यहां पोजीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि रूट थ्री आर पे इसकी वेलोसिटी जीरो है, और जब
एक्स की वैल्यू जीरो हो जाती है तो इसकी वेलोसिटी मुझे निकालनी है, तो टाइम वर्म यहां पे कुछ दिया नहीं था, तो यहां पे ए बराबर डीवी बाई डीटी नहीं रखा जाएगा। इसलिए ध्यान से अगर तुम देखो तो वी डीवी बाय डीएक्स इज इक्वल टू माइनस में क्यू ई बाय एम। गॉट माय पॉइंट? अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखना है, लिख दो, वहीं लिख दो, वहीं लिख दो उसको। ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स। कहां लिखोगे? मैं इस एक्स पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हूं ना, तो एक्स पोजीशन लिखना है, यहां मत लिख देना। एक्स पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया भाई, क्लियर? वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ऑफ कोर्स दिया हुआ था सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है इसका, नहीं देगा तो तू सवाल कैसे देगा, है ना? अब एकदम सिंपल, अब करना क्या है, बस इसी को सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा आपके पास, है ना? बस इसी को सॉल्व करना है, आंसर आएगा आपके पास। ध्यान से अगर आप देखो तो क्यू बाय सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन और वन माइनस एक्स अपॉन में रूट में आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये किसके कारण है? ये सिर्फ डिस्क के कारण है। लेकिन मैंने क्या बताया है, देखो मैं ये गलती मैंने किया, ये गलती तुम मत करना, ये गलती मैंने किया है, ये गलती तुम मत करना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के कारण है, सॉरी कैविटी नहीं, पूरे पूरे अरेंजमेंट के कारण, ऐसे बोल सकते हो, पूरे के पूरे अरेंजमेंट के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालो, चलो मैं साइड में निकाल देता हूं, मैं इसको डिलीट मारता हूं, मैं साइड में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो तब ना रखूंगा, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, यही ना करने वाले हो, माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आएगा, वही वहां रखा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट की वैल्यू ध्यान से अगर तुम देखो तो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट माइनस में सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये छमछम क्या बचा? बचा सिर्फ तुम्हारा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रखा जाएगा वहां पर, और रख दो, जैसे ही रख दोगे तो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट बचा एक्स अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बस अब सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। ध्यान से अगर तुम देखो तो इंटीग्रेट इंटीग्रेट होगा यहां पर, तो वी डीवी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस में क्यू सिग्मा बाय टू एम एप्सिलॉन नॉट इंट्रीगेशन एक्स रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इधर का डीएक्स चला गया उधर, अच्छा लिमिट लगाओ, जब एक्स की वैल्यू रूट थ्री आर थी तो वेलोसिटी जीरो था, तो वेलोसिटी जीरो जब था तो एक्स की वैल्यू रूट में थ्री आर था, ठीक? और जब x की जब वेलोसिटी v हो जाती है यहां पर तो x बराबर जीरो हो जाता है, तो जब वेलोसिटी v हो जाती है तो x बराबर जीरो हो जाता है, तो लो लिमिट भेजा लग गया। बस इसको अब तुमको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो ध्यान से अगर तुम देखो तो इसकी वैल्यू तो आ गई, कितनी आ गई, वी स्क्वायर बाय टू, इसकी कितनी आ गई, वी स्क्वायर बाय टू, तो वी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू माइनस क्यू सिग्मा बाय 2 एम एप्सिलॉन नॉट, ये बचा तुम्हारा x अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx रूट में 3 r से लेके 0 तक, 2 और 2 सही हो गया। अब तुम्हारे ऊपर है उसको सॉल्व करना, क्योंकि फिजिक्स तो यहीं पे खत्म हो गया बेटा, फिजिक्स वही खत्म हो गया, जैसे तुमने समझा कि वेलोसिटी कैसे आएगा, जैसे तुमने समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये रखा जाएगा, जैसे तुमने समझा कि फोर्स की वैल्यू ये रखा जाएगा, फोर्स का ये फॉर्मूला रखा जाएगा, वैसे यहीं पर फिजिक्स खत्म हो गई। उसके बाद तुम मैथ का क्वेश्चन हो गया, सिर्फ तुमको सॉल्व करना है,
है ना। अब सॉल्व करना है, अब जिसको रैंक वन लाना है वो सॉल्व कर लेगा, जिसको रैंक वन में आना है, रैंक वन में आना है, हंड्रेड में आना है, रैंक हंड्रेड के अंदर आना है, तो वो सॉल्व करके आगे बढ़ जाएगा। और कई लोग तो ऐसे मुंह ताकता रह जाएगा। तो जिसको आता ही नहीं इंटीग्रेशन, वो तो ऐसे देखता ही रह जाएगा, कहेगा चलो आगे बढ़ो दूसरा क्वेश्चन पे, है ना। तो बेसिकली मैं बता दूं कि ये बायो वाले के लिए नहीं था, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन आप ओलंपियाड के लिए ले सकते हैं और आईआईटी एडवांस, ठीक है, जेई मेंस के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि बायो वाले ये इंटीग्रेशन उनके लिए टफ हो जाएगा, वो नहीं, और ऐसा पूछेगा भी नहीं, पीएमटी नीट वीट में कभी नहीं पूछता, नीट में कभी क्वेश्चन कभी पूछेगा ही नहीं, है ना। तो मैं बताता हूं इसको सॉल्व करने का तरीका। मान लो, पहले माना तो करो, है ना, मानो उसको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। ध्यान से देखो, आर कॉन्स्टेंट है, एक्स और टी वेरिएबल है, x पे डिपेंड करेगा t, क्योंकि x ही तो बदल रहा था। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो इंटीग्रेट करो, डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहां कितना हो जाएगा 2x dx अपॉन dt इज इक्वल टू, यहां कितना हो गया 2t। तो रेडियस तो नहीं बदल रहा था टाइम के साथ, तो रेडियस का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या 2x dx अपॉन dt, t स्क्वायर का 2t ये हो गया। अच्छा, dt मल्टीप्लाई हो जाएगा जब जाके, तो कर दो, और 2 और 2 भी कट जाएगा, भी काट दो, और अगर काट दो तो x dx बराबर t dt रख दो। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो v स्क्वायर का वैल्यू तुम्हारे पास आ रहा है, मतलब आंसर करीब आ रहा है q सिग्मा अपॉन m एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो गया t dt अपॉन, इसकी वैल्यू t स्क्वायर, रूट से बाहर निकालेगा तो कितना आ जाएगा t, t और t कट गया, देखो कितना आंसर छोटा आ गया, यहीं से देखो मैंने जंप कर दिया यहां और छोटा आ गया। क्या करने से, मानने से, इसको मान लिया मैंने, जैसे माना आंसर फटाक से, दो तीन लाइन का होता है, मैं तो ये समझा रहा हूं तुमको, इसलिए लंबा हो गया, दो तीन चार लाइन, बहुत ज्यादा होगा चार लाइन। तो ध्यान से अगर तुम देखो लिमिट लगाना है, लिमिट चेंज होगा क्योंकि मैंने कुछ माना है वहां पर, तो ये x का लिमिट, और अगर x का लिमिट है तो यहां क्या किसका लिमिट रखना पड़ेगा, टाइम सॉरी t का लिमिट रखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, यहां रखोगे रूट थ्री आर, मतलब कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर, कितना हो गया यहां, कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, तो कितना बचा 2r, तो यहां कितना हो गया 2r। और जैसे x की वैल्यू 0 डालेगा, 0 डालेगा तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा r। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो v इज इक्वल टू माइनस में q सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट t, लिमिट लगाओ 2r से लेके r, दिस इज इक्वल टू माइनस में q सिग्मा बाय m एप्सिलॉन नॉट, लिमिट लगाओगे कितना आ जाएगा तुम्हारे पास r माइनस 2r, ये मिलेगा तुम्हें माइनस r, और अगर माइनस r मिलेगा तो माइनस बार भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये v स्क्वायर था, बोलना नहीं इसको, तो v की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, v इज इक्वल टू q सिग्मा यहां से r अपॉन m एप्सिलॉन नॉट, वो भी रूट, अंडर द रूट, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व किया जाता है, जब एनर्जी कंजर्वेशन ना लगे तो फोर्स बराबर ma लगा के वेलोसिटी को सॉल्व करें, फोर्स बराबर ma लगाएंगे तो a में खुद ही वेलोसिटी आ जाएगा। अगर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है, टाइम का फंक्शन पूछा हो तो dv by dt, अगर वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन है तो v into dv by dx, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स यूज करें, है ना, पढ़ाया इसलिए गया है कि यहां इन सब सवालों में से यूज किया जाए, नहीं तो काहे नहीं पढ़ाया जाता है, काइनेमेटिक्स थोड़ी ना सवाल पूछता है, एक आध दो सवाल आ गया किसी साल तो किसी साल आ गया, है ना। तो ये बातें क्लियर होनी चाहिए, तो इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक। ओके, अगले टॉपिक को बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक कंडक्टिंग शीट। अच्छा, पहली बात मैं ये आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन कंडक्टिंग शीट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। कई लोग तो रट के बैठ जाते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अरे भाई साहब वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट थिन शीट था, वो इनफाइनाइट थिन शीट था, लेकिन वो थिक नहीं था, थिन था, यहां क्या है थिक, तो थिक कंडक्टिंग शीट के अलग होगा। मैं देखो अंतर समझाता हूं, दोनों में क्या अंतर है आज सीख लो, है ना, वैसे किताब से तो कुछ समझ में आता ही नहीं,
आज सीख लो, मैं बता रहा हूं देखो थिन और थिक में अंतर क्या है। देखो थिन, जब मैं बोलू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ऐसे नहीं लिखा था। अगर ये चार्ज है, अब पतला है, बहुत पतला है, बहुत पतला है, मतलब इसकी थिकनेस है ही नहीं, ऐसा मानना है, बहुत ही पतला शीट है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू था होता था, उसकी वैल्यू होती थी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट बेटा, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो कहने का मतलब ये कि ये इतना पतला है, इतना पतला है कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी को, सॉरी इस शीट पर अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर दे दोगे, तो वो इलेक्ट्रॉन इस साइड से भी दिखेगा और वो इलेक्ट्रॉन इस साइड से भी दिखेगा। गॉट माय पॉइंट? मतलब इतना पतला शीट है कि अगर उसे चार्ज दिया जाता है तो एक एक चार्ज उसके एक लेयर पे आता है, ये माना जाता है। तो अब सोचो इसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग बोलेंगे कि नॉन कंडक्टिंग? इसका सरफेस तो है ही नहीं, मतलब वही सरफेस है, वही बॉडी है, वही सरफेस, एक सरफेस ही माना जा रहा है ना। तो अगर मैं मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था कि कंडक्टर पे चार्जेस हमेशा सरफेस पे होते हैं, और नॉन कंडक्टर पे अगर चार्ज जहां दे दोगे वहीं रह जाएगा। अगर मान लो मैंने यहां पे चार्ज दिया, यहां पे चार्ज दिया, यहां पे चार्ज दिया, लाइन बाय लाइन में हर जगह चार्ज दे रहा हूं, है ना, लाइन बाय लाइन अगर हमें हर जगह चार्ज दे रहा हूं, एक कंडीशन ये। और दूसरा चीज ये कि एक जगह मैंने चार्ज दे दिया और हर जगह बिखर गया, तो क्या उसी तरीके से बिखरेगा जिस तरीके से पहले वाले केस से बिखरा था? जैसे नॉन कंडक्टर हुआ तो अलग अलग जगह चार्ज देना पड़ेगा, और कंडक्टर हुआ तो एक जगह चार्ज दे तो हर जगह फैल जाएगा। तो दोनों अगर पतला है, और अगर दोनों पतला है, अगर एक नॉन कंडक्टर है और कंडक्टर है, और अगर दोनों पतला शीट है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? कोई अंतर हुआ क्या? नहीं ना। अगर कोई अंतर नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होती है। हाँ, अंतर किस चीज में आएगा? चार्जेस का रिसाइड्स होने में, चार्जेस को रिसाइड्स होने में अंतर में आएगा। इसको इसको चार्ज देना पड़ेगा पर्टिकुलर पॉइंट पर, और अगर कंडक्टर हुआ तो एक जगह दे दो, फैल जाएगा अपने आप। लेकिन चार्जेस उसी तरीके से रिसाइड्स होंगे पूरे के पूरे हमारे शीट पर, पूरे पूरे सरफेस पर उसी तरीके से रिसाइड्स होंगे। तो ध्यान से अगर तुम देखो, तो अगर पतला होता है, तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग एक ही हो जाती है बात। अगर कोई चीज पतली होती है तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग एक ही चीज हो जाती है। इसलिए अगर ढंग से लिखा जाए तो इसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन कंडक्टिंग ऑब्लिक नॉन कंडक्टिंग, समझ में आ रही मैं क्या लिख रहा हूं, नॉन कंडक्टिंग शीट। तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, थिन नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां मैं क्या लिखा हूं, थिक मोटी शीट है, मतलब मोटी होगी, ठीक ठाक मोटी होगी। और अगर ऐसा है तो ये शीट ऐसा है, इधर इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट ऊपर की तरफ, नीचे भी क्या मानना है, इनफाइनाइट नीचे भी ऊपर की तरफ, इस साइड भी है उस साइड भी, लेकिन मोटा है। और अगर मोटा है तो अगर तुम चार्ज दोगे तो चार्जेस ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस, हमेशा चार्जेस कहां होंगे, सरफेस पे। और अगर चार्जेस सरफेस पे होंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो बताओ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है। ये बातें हमें समझ में भी है, यहां से भी आती है, कैसे जीरो होती है? इस प्लस चार्ज के कारण दूर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, इस प्लस चार्ज के कारण दूर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और अगर कैंसिल हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जीरो। बहुत अच्छा, आ जाओ बाहर। अगर मैं तुमसे कहूं यहां बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस पॉइंट पर P पर, जो कि x डिस्टेंस पर है, तो उसका पोजीशन का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर मैं कहूं पहला प्लेट है और ये कहूं दूसरा प्लेट है, तो इसके पहले प्लेट के कारण, क्योंकि ये पहला जो प्लेट हो जाएगा, ये तो थिन शीट की तरह वर्क करने लगा, क्योंकि चार्जेस तो यहां है ही नहीं,
और अगर चार्जेस यहाँ है नहीं तो एक ही सरफेस पे चार्ज है, तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक शीट की तरह आने लगा, एक शीट जैसा आने लगा, है ना। तो इस ओनली दिस सरफेस के कारण वहां इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ये एक सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट एक शीट थिन शीट की तरह एक्ट करने लगा, ये भी एक थिन शीट की तरह एक्ट करने लगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और E2 ये भी दूर होगा, E2 बराबर सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। जब मैं तुमसे कहूंगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो दोनों जोड़ दो, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, जोड़ दोगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रही बात? अच्छा, एक अंतर है, देखो छोटी सा अंतर जो बच्चा देखता नहीं है, छोटा सा अंतर। अब वो सिग्मा ना देके चार्ज दे देता, क्या करेंगे? अगर यहां सिग्मा ना देके कहा कि इस पर चार्ज क्यू है, इसका एरिया ए मान लो, अगर ए एरिया या दे दिया तो चार्ज क्यू, तो जो चार्ज दिया गया है कैपिटल क्यू, तो पूरे चार्ज पूरे सरफेस पर रिसाइड होगा, पूरा टोटल चार्ज पूरे सरफेस पे। लेकिन जब यहां तू कहेगा कि इस कंडक्टर को चार्ज क्यों दिया गया, अगर ऐसे बोल रहा है कि इस कंडक्टर को चार्ज क्यों दिया गया, तो इस चार्ज का आधा हिस्सा यहां आएगा और इस चार्ज का आधा हिस्सा यहां आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी तो उतनी होगी, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया कहीं से नहीं बदलेगा। जैसे मैंने बोला, मैंने वही बोला था कि समझाते समय पहले, कि अगर एक रॉड है तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसकी बातें कर रहा है, अगर यूनिफॉर्म तरीके से फैला हो तो हर यूनिट लेंथ में उतना ही चार्ज होगा, तो हर यूनिट लेंथ के लिए लैम्डा की वैल्यू सेम होगी। तो हर सरफेस, हर यूनिट एरिया के लिए सिग्मा बराबर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज है इसकी बातें करना है। तो हर यूनिट एरिया के लिए, हर यूनिट एरिया के लिए क्या देखना पड़ेगा हमें, चार्ज। तो हर यूनिट एरिया के लिए चार्ज की वैल्यू तो सेम होगी, चाहे इधर देखो चाहे उधर देखो, सेम सिग्मा। और यहां भी हर यूनिट एरिया के लिए चार्ज की वैल्यू सेम, ये डेंसिटी बताता है ना, डेंस कितना ज्यादा डेंस है, यूनिट एरिया में ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा डेंस है तो ज्यादा सिग्मा होगा, यूनिट एरिया में कम चार्ज है तो कम सिग्मा होगा, है ना। तो इस टाइप से, तो हमने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक कंडक्टिंग शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग शीट, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, ये अलग होता है। अच्छा, इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा, कॉन्स्टेंट बनेगा, इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा, कॉन्स्टेंट बनेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर आएगा। क्या अंतर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या है, जीरो है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है तो कैसे ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ये पोजीशन एक ही क्वाड्रेंट बनाते हैं, ये पोजीशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से अगर तुम देखो, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और अगर यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहां से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही सरफेस से बाहर निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट एब्रप्टली, जैसे ही कांस्टेंट हुआ, तो जैसे ही कांस्टेंट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, पैरेलल लाइन बना दो सीधा, इस साइड भी ऐसे ही बन जाएगा, है ना। तो एक ही क्वाड्रेंट में ऐसा ऐसा ग्राफ बना। अब लास्ट में क्या लेता हूं, लास्ट में लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक नॉन कंडक्टिंग शीट, एक ही बचा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक नॉन कंडक्टिंग शीट की बात करते हैं, यहां पे मैं बदल देता हूं नॉन कंडक्टिंग शीट। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं इसी को मिटा रहा हूं या मिटा देता हूं, दूसरा बनाता हूं। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट, देख रहे हैं ना सवाल कैसे सॉल्व होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए,
कॉमन सेंस चाहिए, रैंक वन आएगा, कोई खास बात नहीं होता है ना। इतना इंटेलिजेंट होना है हमको कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए धड़ 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 सॉल्व हो जाए, इतना इंटेलिजेंट। तो तभी हो पाएगा जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करें। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर इंटेलिजेंस बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो ध्यान से अगर आप देखें तो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक नॉन कंडक्टिंग, तो इसीलिए चीजों को बहुत ध्यान से देखा जाता है, बहुत ध्यान से परखा जाता है, पढ़ा जाता है ना। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक मोटी शीट तो है लेकिन नॉन कंडक्टिंग है, मोटी शीट तो है लेकिन नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग है तो इसके वॉल्यूम में चार्ज रहेगा, सही बोल रहा हूं ना। और अगर इसके वॉल्यूम में चार्ज रहेगा तो इसलिए इसका दिया हुआ है रो कूलम पर मीटर क्यूब। मुझे निकालना है बाहर एक पॉइंट पी है यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इनफाइनाइट मान सकते हो प्लस, अब मैंने सोचा कैसे करूं है ना। ये पी पॉइंट सेंटर से, इसके सेंटर से ले सकते हो, इसके सेंटर से ले सकते हो एक्स डिस्टेंस पर। तो जैसे मैंने इसको देखा तो मैंने सोचा कि अच्छा इसका रो दिया हुआ है, लेकिन अगर ये मोटी शीट है जिसका थिकनेस दे रखा है तुमको डी, चलो अगर थिकनेस दे रखा है डी और ये शीट की तरह ही है लेकिन मोटी है, तो अगर पी पॉइंट बाहर है तो जो आदमी यहां खड़ा होगा वो क्या सोचेगा, उसके लिए तो सिर्फ शीट ही है, उसे मोटी और पतली से क्या मतलब, क्या मतलब, क्या बोला सर? मैंने ये बोला कि अगर पॉइंट बाहर है तो उसके लिए तो सिर्फ ये चादर ही है, चाहे मोटा है चाहे पतला है, चाहे मोटा है चाहे पतला है। जैसे सिंपल सी बात मैं अगर तुमसे बोलूं, मैं ट्रिक लगा रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तरीका सोच रहा हूं, है ना, तरीका सोच रहा हूं। वैसे तो सॉल्व मैं अलग अलग तरीके से भी कर दूंगा, इसको इंट्रीगेट करके कर दूंगा, इंट्रीगेट करके कर दूंगा तो कुछ नहीं पाऊंगा, है ना, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। ध्यान से अगर तुम देखो तो मैं अगर तुमसे ये कहूं कि अगर एक वायर है, वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे निकाल रहे हो, तो इस पी पॉइंट के लिए एक पतला वायर है, लेकिन अगर मैं इस वायर की जगह पे मैं सिलेंडर खड़ा कर दूं किसी आर रेडियस का और पी पॉइंट दूर हो, तो उस पी पॉइंट के लिए वायर जैसा ही लगेगा। तो वही बात है यहां पर भी कि मैंने बोला कि पी पॉइंट के लिए ये एक शीट है, वो शीट बोलेगा, मोटी नहीं बोलेगा। क्यों नहीं मोटी बोलेगा? मोटी तब बोलेगा जब वो अंदर कोई पॉइंट होगा, जब अंदर वाले पॉइंट पे वो होगा कोई आदमी, तो बोलेगा अच्छा ये मोटा है, ये घर मोटा है ना, ये घर क्या है, मोटा है, ये चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है, ये बोलेगा। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो मैं ये बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हुई मैं इसको निकालने चल रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है सिग्मा पाई टू एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं कुछ देर के लिए इसे मानूं कि इसके अंदर चार्ज है क्यू, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं इसके लिए लिखूंगा क्यू पाई टू ए एप्सिलॉन नॉट। कुछ देर के लिए क्या कर दो इसे तुम डी से ऊपर डी से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इंटू डी क्या बना, ए इंटू डी वॉल्यूम, तो क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन ए इंटू डी। ए इंटू डी क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू विड्थ क्या बना, पूरा पूरा वॉल्यूम बना, तो पूरा पूरा वॉल्यूम बना, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम रो, तो रो बन गया। देखो इतने जल्दी फॉर्मूला आ गया,
शॉर्टकट मेथड से। ये कितना हुआ q by 2 epsilon naught, ये उधर चला गया ना, 2 epsilon naught into d, this is the electric field at outside point। ध्यान से अगर तुम देखो तो outside point पे भी electric field क्या है, constant। ये भी depend नहीं कर रही, नहीं करेगी electric field depend, और constant रहेगी क्योंकि वो वैसा ही तो है, sheet ही तो है। कौन जारी बात? अच्छा, तो ये तो आउटसाइड पॉइंट एक था, तो ये क्या था, एट आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब मैं निकालना चाहता हूं इनसाइड पॉइंट, दूसरा कहां, इनसाइड पॉइंट अंदर, मतलब इसके सेंटर से किसी डिस्टेंस x पर, यहां पॉइंट, इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहता हूं कितना है, है ना? तो मैं उसको मिटाना चाहूंगा। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट क्या होगा, उसके बाद मैं बात करता हूं कि मैं अंदर कैसे निकालता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, है ना। फिर इसी के बाद हम क्या लेंगे, अलविदा लेंगे आपसे, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आईआईटी सीरीज की 04 में। देखो मैं इसको कैसे समझता हूं कि अगर सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे ये अगर पूछा जा रहा है, जो कि वो पी पॉइंट इस लाइन पे पड़ेगा, तो ध्यान से अगर तुम देखो इस पॉइंट पी पे पूछा जा रहा है, तो इसके इधर का चार्ज के कारण आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां, और इसके इस साइड के चार्ज के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ध्यान से अगर तुम देखो, मैंने इसको बदल दिया, मैंने उसको ऐसा मान लिया, एक कॉमन सेंस, इसी को बोलते हैं कॉमन सेंस। कैसा मान लिया सर? हमने इसको ऐसा मान लिया कि ये चार्ज है, चार्ज है। पी पॉइंट कहां है? पी पॉइंट यहां है, यही निकालना है मुझे, यही पे। समझ में आ रही बात? तो ध्यान से देखो, तो इसका विड्थ कितना हुआ, इसका विड्थ कितना बना, ये पहले से d बाय टू था और ये x था, तो ये कितना हुआ d बाय टू प्लस x, और ये कितना बना, ये d बाय टू था, ये x था, तो घट गया, इतने विड्थ की वैल्यू कितनी, d बाय टू माइनस मैक्स। अब अगर तुम ध्यान से देखो, तो इस पॉइंट p के लिए क्या होगा, ये पॉइंट पे ऐसा नहीं लग रहा है कि इस, ये एक थिक शीट है, इसके जस्ट बाहर है, और जस्ट बाहर है मतलब बाहर हो गया, और अगर बाहर हो गया तो वो बाहर वाले पॉइंट के लिए तो रो बाय टू एप्सिलॉन नॉट इनटू d हो जाएगा, वेयर d इज द थिकनेस ऑफ द शीट। ध्यान से अगर तुम देखो, तो इसे मैं पहला शीट कहूं और इसे मैं अगर दूसरा शीट कहूं, तो इस दूसरे शीट के कारण दूर, दूर मतलब इधर, और पहले शीट के कारण दूर, दूर मतलब राइट साइड, इससे दूर इधर, इससे दूर इधर, ये हो गया E1 और ये हो गया E2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब आएगा, तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू घट जाएगा E1 माइनस में E2, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस उधर का इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियस सी बात है, चार्जेस ज्यादा है ना, इस वाले के शीट के कारण चार्जेस अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, और इस वाले के कारण चार्जेस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर कम आया होगा, मतलब कि एक्स की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, एक्स तुम किधर ले रहे हो। तो ध्यान से अगर तुम देखो, तो E1 की वैल्यू क्या लिखने वाले हो, E1 बराबर रो बाई टू एप्सिलॉन नॉट इनटू में थिकनेस, थिकनेस मतलब इसका थिकनेस d बाई टू प्लस एक्स, तो कितना आ जाएगा d बाई टू प्लस में एक्स माइनस में रो बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और उसका थिकनेस d बाई टू माइनस में एक्स। बहुत अच्छे से देखो, तो रो बाय टू एप्सिलॉन नॉट, रो बाय टू एप्सिलॉन नॉट बाहर कर दो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रो बाय टू एप्सिलॉन नॉट,
और ये आ गया डी बाय टू प्लस एक्स माइनस डी बाय टू माइनस और माइनस प्लस एक्स डी बाय टू चला गया, एक्स और एक्स हो गया टू एक्स, टू और टू चला गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया रो बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स। और ये एक्स है कहां से, एक्स है बेटा सेंटर से, तुम्हारा स्कूल का टीचर कहां से दे सकता है, एक सरफेस से दे सकता है, तो वो अलग बात है, यहां से देगा तो अलग फॉर्मूला आएगा, सेंटर से देगा तो अलग फॉर्मूला आएगा, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी ही होगी, मतलब रेफरेंस लेवल बदल रहा है, फॉर्मूला नहीं बदल रहा, फॉर्मूला उतना ही रहेगा, फॉर्मूला उतना ही आने वाला है, जो इतना फॉर्मूला है ये फॉर्मूला उतना ही आने वाला है, तो रो बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माय एक्स। तो इसका मतलब ये कि अगर मुझे वेरीफाई करना है कि क्या मेरा बाहर वाले पॉइंट के लिए हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सही है कि नहीं, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी हमारी, रो बाय टू एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी, तो जो बाहर था वो सरफेस पे भी था। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो सरफेस पे अगर मुझे निकालना है तो x बराबर डी बाय टू रख दू काम हो जाएगा, तो x बराबर डी बाय टू यहां रखेगा तो रो बाय में डी बाय टू एप्सिलॉन नॉट आ गया, इसका मतलब जो पढ़ा था पहले वो सही है, क्योंकि बाहर के लिए रो बाय टू एप्सिलॉन नॉट इनटू डी आता था, और अगर अंदर के लिए फॉर्मूला निकाला हो, अगर मुझे वेरीफाई करना है बाहर सही है कि नहीं, तो x बराबर डी बाय टू रख के देख लो, क्योंकि ये सेंटर से लिया गया है तो x बराबर डी बाय टू रखेगा, x बराबर डी बाय टू रखा तो उतना ही फॉर्मूला आ गया जो बाहर के लिए निकाला था, मतलब वो फॉर्मूला हमारा सही है। दूसरी चीज, इसके लिए ग्राफ आप बनवा देते हैं, बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि ग्राफ आप पूछ देता है कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान होता है वो ग्राफ बनाना। मैं ग्राफ यही बना देता हूं, चलो मैं इसको डिलीट मार देता, तुम लोग इसे कॉपी कर लेना, इसको तुमने कॉपी कर लेना, ध्यान से देखो, तो ये तुम्हारी शीट है, मोटी शीट है, वो भी नॉन कंडक्टिंग, चलो बना देता हूं ऐसा, और इसके सेंटर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और ये ऐसे, ये पोजीशन एक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऐसे। अच्छा, ध्यान से अगर तुम देखो तो इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बना था, रो बाई एप्सल नॉट इनटू में एक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब वाई बराबर एम एक्स, वाई बराबर एम एक्स मतलब सरफेस तक स्ट्रेट लाइन, सरफेस तक कैसा स्ट्रेट लाइन, तो अगर सरफेस तक तेरा स्ट्रेट लाइन ऐसा ग्राफ गया, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो गया तो कैसा हो गया, ऐसा हो गया। अच्छा, दूसरे तरफ बनाना है तो नीचे बना के इधर खींच दो, है ना, सरफेस तक कैसा था स्ट्रेट लाइन, सरफेस तक स्ट्रेट लाइन था तो नीचे आ गया, उसके बाद कांस्टेंट हो गया, है ना। एक बार एक एग्जाम में सवाल आया था, शायद एम्स में आया था, मुझे याद है मैंने देखा था, उसमें क्या पूछा हुआ था, ऐसे ग्राफ दे दिया गया था, और कह रहा था फाइंड आउट फॉर थिक शीट के लिए ग्राफ दे दिया था, एक्स और ई के बीच का ग्राफ, वो ग्राफ कुछ इस टाइप से दिया हुआ था, ऐसा, और कह रहा था फॉर थिक शीट द ग्राफ बिटवीन ई वर्सेस एक्स इज दिस, और ये दे रखा था 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री दे रखा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि फाइंड आउट The value of surface volume charge density. Find
आउट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब रो की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो अगर जो बच्चा ये थिक शीट के बारे में ढंग से पढ़ा था वही लगा पाएगा, क्यों ढंग से पढ़ा था? क्योंकि वो तो यहीं पे आके छोड़ देगा। अगर नॉर्मल बच्चा जद्दोजहद करके अगर पढ़ भी लिया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद रुक जाएगा, उसके बाद सोचेगा ही नहीं। वो देखो और सोचो ध्यान से, अगर तुम देखो तो ये स्लोप दिख रहा है ना थीटा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, कैसे निकलेगा? ये वाई बराबर एमएक्स टाइप दिख रहा है, तो एम क्या होता है, एम इज द स्लोप। तो अगर तू लाइन का स्लोप निकालेगा तो स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू टैन थीटा, व्हिच इज दिस टैन थीटा। तो टैन थीटा इज इक्वल टू कितना, वाई बराबर एम एक्स मतलब रो बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से वैसे निकाल सकते, टैन थीटा डायरेक्ट निकाल सकते थे। ये कितना है, ये बेटा डी बाय टू है, और ये वैल्यू कितनी है, वो जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो रही है वही है। इसकी वैल्यू कितनी, रो इनटू डी बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो जब टैन थीटा निकालेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब डिवाइड मारेगा तो ये आएगा वाला। तो जब यहीं से ही अगर मुझे समझ में आता है तो मैं उतना क्यों करूं, उतना दूर क्यों जाऊं। खैर तो टैन थीटा बराबर रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमें समझ में आएगा, मतलब इसका स्लोप रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर टैन थीटा मतलब थीटा अगर तुमको दे रखा है तो टैन 60 की वैल्यू कितनी आ गई रो, और रो की वैल्यू कितनी आ गई √3 एप्सिलॉन नॉट। उसका आंसर था एक लाइन का, मतलब वो उस बच्चे को वही बच्चा लगा पाएगा जिसको गहरी जानकारी है थिक शीट की। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेते रहूंगा। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आप आगे वाले वीडियो को आप देख पाए, है ना। मैं अच्छे अच्छे ऐसे ही क्वेश्चन लेते जा रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।